दो क्विंटल गांजा ले जा रहे दो गांजा तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। तस्कर अशोक सिंह सुंधा राम सीकर राजस्थान और मनीष ओम प्रकाश आगरा उत्तर प्रदेश निवासी है। फरार गांजा तस्कर की तलाश की जा रही है। दोनों गांजा तस्करों से स्कॉर्पियो, दो मोबाइल और 29,47,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कलमना थाने में मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच के मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के पुलिस निरीक्षक मनोज सिडाम और सहयोगियों ने कार्रवाई की। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में शनिवार की दोपहर में की गई। सूचना के आधार पर दो क्विंटल गांजा ले जा रहे दो गांजा तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। तस्कर अशोक सिंह सुंधाराम सीकर राजस्थान और मनीष ओम प्रकाश आगरा उत्तर प्रदेश निवासी है। फरार गांजा तस्कर की तलाश की जा रही है। दोनों गांजा तस्करों से स्कॉर्पियो, दो मोबाइल और 29,47,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कलमना थाने में मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच के मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के पुलिस निरीक्षक मनोज सिडाम और सहयोगियों ने कार्रवाई की। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में शनिवार की दोपहर में की गई। शनिवार को मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के पुलिस निरीक्षक मनोज सिडाम ने सहयोगियों के साथ कलमना पुलिस थाना क्षेत्र के हैदराबाद जबलपुर मार्ग पर बालाजी कोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास नाकाबंदी की और इस दौरान स्कॉर्पियो AP03BY7786 को रोका। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर करीब 196 किलो 520 ग्राम गांजा जब्त किया। गांजे की कीमत करीब 29,47,000 है। अशोक सिंह और उसके साथी मनीष को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह आगरा के गांजा तस्कर राजू चाहर के कहने पर हैदराबाद से ग्वालियर गांजे की खेप लेकर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में सूचना देने वाले सिपाही समीर शेख को 10,000 रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया गया है। समीर ने बीमार रहने के बाद भी कार्रवाई में सहयोग किया, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्कर हैदराबाद से ग्वालियर गांजे की खेप ले जा रहे थे। कलमना आउटर रिंग रोड हैदराबाद जबलपुर मार्ग पर पकड़े गए। सिपाही समीर शेख को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप स्कॉर्पियो में हैदराबाद जबलपुर मार्ग से आ रही है। उसने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। काम थांबवलं आणि त्यांना विचारलं असता त्यांनी आधी सांगितलं की काही नाही साहेब, घरगुती सामान आहे। नंतर व्यवस्थित खात्री केली आणि त्यामध्ये गांजे आम्हाला ते हे दिसून आलं, बोऱ्या वगैरे। नंतर विचारलं हा तो गांजा आहे, हाऊस साहेब गांजा आहे, तर का कुठे येऊन चालले होते? त्यांनी सांगितलं साहेब आम्ही हैदराबाद से लिया है और अभी हम इसको ग्वालियर लेके जा रहे हैं, असं त्यांनी सांगितलं हिंदीमध्ये। तर त्यांना सांगितलं की हे असे पक्के हे चुकीचे काम आहे, लहू साहेब असायचा। तर त्यांच्याप्रमाणे आम्ही तर पंचासमक्ष संपूर्ण गांजाची मोजमाप केले असता त्या ठिकाणी कमी 196.520 ग्रॅम गांजा हा मिळून आला आहे। त्यांच्यावरती आम्ही NDFS ॲक्टप्रमाणे पोस्टावरून कारवाई केलेली आहे। सध्या दोन्ही आरोपी ताब्यात असून त्यांचा पिशार घेतलेला आहे आणि 29 तारखेपर्यंत पिशार आहेत। सदर आरोपी शिमांनी कुठून माल आणला आणि ते कुठे घेऊन चालणार होते याविषयी माहिती घेऊन पुढील तपास करीत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।